हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। पूरन पूली किसको नहीं पसंद है, ऑब्वियसली सबको पसंद आएगी। जिन्होंने भी खाया है, एक बार खाई हो बार बार खाई हो, सबको तो पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे कोंकण स्टाइल में पूरन पूली। इसके लिए मैंने मिक्सिंग बोल में एक चुटकी नमक लिया है और उसमें मैं डाल रहा हूँ एक चुटकी लेमन येलो फूड कलर। अब इसमें आधा कप पानी डाल के इन सबको अच्छे से हम लोग एक बार मिला लेंगे। आप चाहे तो फूड कलर के बदले हल्दी भी डाल सकते हो, बट क्या होगा कि हल्दी से उतना ब्राइट येलो कलर नहीं आ पाएगा। अभी हम इसमें एक कप मैदा डालेंगे, लगभग 400 ग्राम जितना मैदा डाल रहा हूँ मैं इसमें। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है पूरन पूली के लिए। अगर डो हार्ड होगा तो पूरन पूली सॉफ्ट नहीं बन पाएगी, बाहर से रफ लेयर बन जाएगी। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रहा हूँ। तेल डाल के एक बार अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तेल को मिला लेने के बाद हम इसके ऊपर और 1 चम्मच तेल डाल के एक बार अच्छे से तेल को ऊपर से लगा लेंगे, वरना क्या होगा कि ऊपर का लेयर हार्ड हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से ढक के कम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब पूरन पूली के फिलिंग के लिए मैंने 450 ग्राम तूर दाल ली है। बहुत लोग चना दाल से भी करते हैं, मगर चना दाल से क्या होता है कि पूरन पूली आपकी हार्ड हो जाएगी। अब तूर दाल में हम लोग 50 ग्राम चना दाल मिक्स करेंगे और एक बार अच्छे से पानी से धो के 3 घंटे के लिए इसको हम लोग भीगने के लिए ऐसे ही रख देंगे। 3 hours later मैंने दाल को पकाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब हम इसमें भीगी हुई दाल डालेंगे और दाल के साथ पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, दाल डूब जानी चाहिए उतना पानी रखना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस 1 सीटी आ जानी चाहिए। उससे ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि दाल हमारी बहुत ज़्यादा पक जाएगी और हमारा फिलिंग जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा। देखिए, दाल इससे ज़्यादा हमें नहीं पकानी है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए। अब हम इसमें 600 ग्राम गुड़ डाल रहे हैं। आधे किलो दाल के लिए हम लोग 600 ग्राम गुड़ का यूज़ करेंगे। गुड़ डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिलाना है और गुड़ को पूरी तरीके से मेल्ट कर लेना है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रहा हूँ और डाल के इसको अच्छे से मिला रहा हूँ। हमें इसको अच्छे से पकाना है, मिक्स करते रहना है बीच बीच में, जब तक कि इसका 90% पानी इवैपोरेट होके मिक्सचर पूरी तरीके से थिक ना बन जाए। मैंने दाल को पीसने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहिए तो मिक्सर जार में भी दाल को पीस ले सकते हैं। पीस लेने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए। अगर आपका फिलिंग बहुत ज़्यादा रनी लग रहा है तो आप इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। मैंने सारे गोलों को अभी बना लिया है। अब हम इसके आउटर लेयर की तैयारी करते हैं। देखिए, मैदे को भीगते हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। हमारे आउटर लेयर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। हमारे फिलिंग के गोलों का जितना साइज है उससे 1/2 साइज में हम लोग डो का प्रपोर्शन लेंगे। मैंने पूरन पोली को बेलने के लिए एक पेपर प्लेट का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और हमारा जो डो है उसको रख देंगे। अब हम इस डो को एक बार अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये अच्छे से पतला हो जाए। अब इसके ऊपर हमारे फिलिंग को हम लोग रख के चारों तरफ से मैदे की जो रोटी हमने बनाई है उसको हम लोग इसके ऊपर लपेट देंगे। अब हम लोग इसको हल्के हाथ से एक बार दबा लेंगे और ऊपर से थोड़ा मैदा छिड़क लेंगे। मैदा छिड़कने के बाद हम इसको एक मोटी रोटी के जितना बेल लेंगे। कोंकणी स्टाइल के पूरन पोली की खासियत यह है कि
इसका आउटर लेयर बहुत ही ज़्यादा पतला और फ्लफी रहता है और इनर लेयर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और हम लोग इसमें थोड़ा सा ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम कर दिया है। अगर हम लोग ज़्यादा हाई हीट पे इसको पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगी। अगर बहुत लो फ्लेम पे पकाएंगे तो पूरनपोली हार्ड हो जाएगी। हम इसको दोनों तरफ से सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक ही पकाएंगे। अब हम लोग इसको दूसरे साइड से भी पका लेंगे। देखिए हमारी एकदम सॉफ्ट और फ्लफी पूरनपोली पूरी के जैसे फूल रही है। पूरनपोली तो मेरी फेवरेट है। और किस किस को पूरनपोली पसंद है वो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम लोग ऐसे ही अभी सारी पूरनपोलियों को बना लेंगे। पूरनपोलियों का असली मज़ा तभी आता है जब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा घी डाल के खाएंगे। हमारी एकदम सॉफ्ट और फ्लफी पूरनपोली तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।